नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 26 सितंबर। आइए आपको ले चलते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों पर। सरकारी निजी विमान के लिए चालकों की नियुक्ति। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा वैसे उम्मीदवारों की मांग की गई है जो कि बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के सभी हेलीकॉप्टर के पायलट के लिए इच्छुक हो। मंत्रिमंडल में कोई भी स्थायी विमान चालक न होने की वजह से अनुभवी विमान चालक की संविदा पर नियुक्ति निकाली गई है, जिसके लिए संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। चयनित विमान चालक को 2.75 विशेष भत्ता एवं प्रति घंटे उड़ान पर अलग से 5,000 दिए जाएंगे, जिसे कुल मिलाकर 5.5 लाख वेतन प्रति महीने दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन की तारीख 18 अक्टूबर तक दी गई है। इसकी नियुक्ति विज्ञापन के अनुसार इंटरव्यू के माध्यम से दी जाएगी। बिहार में वैदिक गणित की पढ़ाई जल्द ही होगी शुरू। बिहार के सरकारी स्कूलों में वैदिक गणित के विषय वस्तु निर्माण को लेकर 25 से 27 सितंबर 2019 तक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि समग्र शिक्षा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वैदिक गणित के प्रति विद्यार्थियों की समझ को विकसित करने हेतु विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा राज्य के 100 शिक्षकों को 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार बोर्ड के वोकेशनल कोर्स में 1000 की जगह अब 500 अंकों की होगी परीक्षा। इंटरमीडिएट के वोकेशनल कोर्स के लिए बिहार बोर्ड ने नए विषय की घोषणा की है, जिसमें 2019 से लेकर 21 तक के विद्यार्थी को अब 1000 के बजाय 500 अंक के लिए परीक्षा देनी होगी। इसके तहत एडिशनल सब्जेक्ट्स 6वें विषय के रूप में अपनी इच्छा अनुसार ले सकेंगे। इसमें अनिवार्य भाषा 1 एवं भाषा विषय 2 के अतिरिक्त भी विषय ले सकते हैं। इसकी विषय सूची की अधिक जानकारी के लिए बिहार परीक्षा समिति की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उत्तर बिहार का मौसम विशेष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा, मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी बिहार के इलाकों में गरज वाले बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही इसके तराई के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जिसके दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार किसानों के लिए जारी निर्देश में वर्षा अनुमानित अवधि में खड़ी फसलों में सिंचाई को स्थगित रखने एवं कीटनाशी दवाओं का इस्तेमाल आसमान साफ रहने पर ही करने का सुझाव दिया गया है। बॉलीवुड महानायक बिग बी को फिल्म जगत के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहेब फाल्के के लिए चुना गया। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन को अभिनय जगत के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट के माध्यम से की है, जिसके बाद बिग बी के फैंस सहित कई कलाकारों ने भी बधाई दी है। उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने केंद्रीय मंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा है कि मुझे इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी और गर्व है। बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण कर उन्हें फिर से दुरुस्त किए जाने की तैयारी। बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा की 4 अक्टूबर से 2 दिवसीय यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके तहत मिथिला के जीवंधर कमला नदी एवं इससे जुड़े क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए लोगों का नजरिया जानने और उन्हें जागरूक करना शामिल है। जिसके बाद जुलाई में आई बाढ़ से टूटे हुए तटबंधों को दुरुस्त करने के लिए तकनीकी सुविधाओं द्वारा IIT रुड़की की विशेष टीम काम करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद ने अपने कैंडिडेट्स चुने। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद ने अपने 2 कैंडिडेट को चुनकर उन्हें पार्टी का चिन्ह दे दिया है। बता दें कि राबड़ी देवी ने इन्हें खुद के घर बुलाकर दोनों को पार्टी का सिंबल दिया, जिसमें नाथनगर से राबिया खातून को एवं बेलहर से पूर्व रामदेव यादव को राजद पार्टी के लिए चुना गया है। बिहार में जमीन बेचने से पहले बहनों की रजामंदी जरूरी। 2 अक्टूबर के बाद नए जमीनी निबंधन नियम में जमीन बेचने से पहले उनके नाम से दाखिल खारिज होना जरूरी है। वैसे ही पुश्तैनी जमीन को पारिवारिक बंटवारे के बाद ही बेच पाएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में बेटियों का हक भी होगा। अगर किसी पुश्तैनी जमीन को कोई बेचना चाहता है तो उसे अपनी बहनों का हिस्सा सुरक्षित रखना होगा या फिर उसकी रजामंदी जरूरी होगी। बता दें कि जमीन विवाद को रोकने के लिए बिहार सरकार ने यह कदम उठाया है, जिसके लिए जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता होनी जरूरी है। लोजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने अब अपनी पार्टी की कमान अपने बेटे और जमुई के सांसद चिराग पासवान को सौंपने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद इसी साल 28 नवंबर को पार्टी के संस्थापक दिवस पर चिराग पासवान की ताजपोशी की जाएगी, जिसके बाद चिराग 5 सालों तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, जिसका ऐलान दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान रामविलास पासवान ने किया। पटना में गंगा नदी घाट सहित 150 घाटों का किया गया निरीक्षण। सभी पुलिस कर्मियों को दशहरा एवं सूर्य पूजा छठ को देखते हुए
नोडल अधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए हैं, जिसके लिए पटना सिटी क्षेत्र के गंगा नदी से लेकर 150 घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से खतरनाक नदियों की सूची बनाकर उन्हें लाल कपड़ों से घेरने को कहा गया है। दिल्ली एम्स में 64वें स्थापना दिवस का हुआ आयोजन। दिल्ली एम्स में आयोजित 64वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान ट्रॉमा सेंटर विभाग के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पारुल ठाकुर, डॉक्टर प्रभात रंजन एवं डॉक्टर पिंटू कुमार की उपस्थिति में एम्स परिसर में यूनिवर्सल हेल्थ केयर विषय पर फिजियोथेरेपी के महत्व पर पोस्टर का प्रदर्शन किया। इस समारोह का उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन एवं भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी के द्वारा एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया के उपस्थिति में किया गया। एम्स की स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा पोस्टरों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे आम जनता के लिए खोला गया है। पूर्व सीएम मांझी की पार्टी को बिहार विधानसभा उपचुनाव में नहीं मिली एक भी सीट। बिहार विधानसभा चुनाव के विस और उपचुनाव के लिए राजद ने नाथनगर में सीट हासिल कर उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा कर दी है, जिसकी वजह से हम के अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल जीतन राम मांझी ने नाथनगर सीट से हम पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद राजद ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर मांझी नाराज होकर कह रहे हैं कि उन्हें एक सीट तो चाहिए ही, इसके लिए वे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के पहले वानिकी महाविद्यालय एवं इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किया। सीएम नीतीश कुमार ने सफियाबाद स्थित एयरपोर्ट पर पहुंच वीवीआईपी एवं स्थानीय नेता से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने पोलो मैदान पहुंचकर 105 करोड़ की बिहार का पहला वानिक महाविद्यालय एवं 76 करोड़ 13 लाख 34 हजार की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी, जिसका शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुशील मोदी सहित विज्ञान मंत्री जय कुमार सिंह एवं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी सहित कई विभागीय लोग उपस्थित थे। यह दशहरा चंद्रयान एवं विंग कमांडर अभिनंदन के नाम। गौड़ियामठ मीठापुर स्थित यारपुर पुल के समीप का पंडाल इस बार भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को समर्पित करते हुए चंद्रयान 2 के नक्शे जैसा बनाया जा रहा है, और साथ ही विंग कमांडर अभिनंदन की प्रतिमा लगाए जाने की भी तैयारी की जा रही है। उत्तर बिहार के प्रत्येक गांव बनेंगे डिजिटल पेपरलेस। कॉमन सर्विसेज के राज्य प्रमुख संतोष कुमार तिवारी ने कहा कि पूरे जिले में सीएससी के दर्जनों सेंटरों पर काम चल रहे हैं, जिससे आने वाले कुछ दिनों में जिला सहित उत्तर बिहार का प्रत्येक गांव डिजिटल इंडिया से जुड़ जाएगा। मोबाइल ऐप से 7वीं आर्थिक गणना का शुभारंभ कर इस कार्य को पेपरलेस कर दिया गया है। उत्तर बिहार के लिए रामदयालु स्थित एक होटल के सभागार में इसका शुभारंभ किया गया है। सीबीएसई नहीं जारी करेगा फ्लाइंग स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड्स। सीबीएसई ने स्कूलों को 30 सितंबर तक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले सभी परीक्षार्थियों की जांच करने का आदेश दिया है। जांच से यह पता लगाया जाएगा कि छात्र 9वीं और 11वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे। इसकी जांच के लिए सीबीएसई ने सभी स्कूलों से 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने वाले परीक्षार्थियों की सूची की मांग की है। इससे बोर्ड उन परीक्षार्थियों को पकड़ेगा जिसने फ्लाइंग ग्रुप में किसी दूसरे स्कूल से बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरा है। प्लस टू शिक्षकों को लेकर बिहार सरकार ने दिए नए आदेश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह आदेश दिया है कि बिहार के प्लस टू के शिक्षक अब 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अब हायर सेकेंडरी क्लासेस के शिक्षकों को अपने विषयों को माध्यमिक कक्षाओं में भी पढ़ाना होगा। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने किया ऐलान। बिहार के 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर सियासी खेमे में सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। उपचुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारने के फिराक में लगी है। सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में भी खींचतान जारी है। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर यह ऐलान किया है कि सिमरी बख्तियारपुर सीट पर वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन सदस्यता अभियान का शुभारंभ करते हुए सहनी ने यह भी ऐलान किया है कि हमारा लक्ष्य पार्टी से 50 लाख लोगों को जोड़ने का है और हम इतने लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे भी। पटना में इस साल नहीं होगा रामलीला का आयोजन। पटना में इस बार रामलीला नहीं होगी। इस साल रामलीला करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के कारण इसके लिए सहमति नहीं दी। दूसरी ओर कमेटी पुराने स्थल पर कार्यक्रम कराने को राजी हुई तो वृंदावन रामलीला मंडली ने दूसरी जगह अपनी बुकिंग कर ली थी,
जिसके पश्चात समिति ने इस बार रामलीला नहीं करने का निर्णय लिया है। इस खबर के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। गंगा के बढ़ते जल स्तर में हुई गिरावट, पटना वासियों के लिए एक खुशखबरी। गंगा नदी का जल स्तर कम होता जा रहा है, जिसके बाद अब पटना में बाढ़ का खतरा कम हो गया है। आपको बता दें, हर एक घंटे में 1 सेंटीमीटर जल स्तर में कमी आ रही है। पटना डीएम रवि कुमार ने इस बात की जानकारी दी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से बराजों का फाटक खोलने की अपील की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने तुरंत ज्यादा से ज्यादा बराजों के फाटक खोलने का आदेश जारी किया था, जिसके पश्चात गंगा का जल स्तर घटना शुरू हो गया है। बिहार शिक्षकों को एक साथ मिलेगा 3 महीने का वेतन, बिहार शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने इस बार प्राइमरी शिक्षकों को एक साथ 3 महीने का वेतन देने का ऐलान किया है। वेतन भुगतान के लिए बिहार सरकार ने राशि जारी कर दी है। जुलाई से लेकर सितंबर महीने तक के वेतन के लिए शिक्षा विभाग ने 18,94,40,09,143 रुपए जारी किए गए हैं। बिहार शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों के डीपीओ खाते में राशि का भुगतान कर दिया है। देश में प्याज की कोई कमी नहीं, रामविलास पासवान। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने देश भर में लगातार बढ़ रहे प्याज की कीमतों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश में फिलहाल कोई प्याज की कमी नहीं हुई है। दिल्ली सरकार द्वारा 28 सितंबर से 5 नवंबर तक 100 टन प्याज की मांग को भी हम पूरा कर रहे हैं। जिस राज्य को जितनी प्याज की जरूरत होगी उतना ज्यादा प्याज मुहैया कराया जाएगा। साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद बुमराह ने कही ये बात। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं। बुमराह का लोअर बैक में माइनर स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के कारण वो इस टेस्ट सीरीज में नजर नहीं आएंगे। उनकी जगह टीम में उमेश यादव ने ले ली है। इसी बीच बुमराह ने ट्वीट कर कहा है कि चोट खेल का अहम हिस्सा है। आपकी सभी दुआओं के लिए धन्यवाद। मेरे सिर को ऊंचा रखा गया है और मैं वापसी के लिए लक्ष्य बना रहा हूं, जो सेटबैक से अधिक मजबूत है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस हुई एक्टिव। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं कांग्रेस भी चुनावी रण में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने बैठक कर यह तय किया है कि महात्मा गांधी के समारोह के बाद कांग्रेस के लोग घर घर जाकर सदस्यता अभियान चलाएंगे। अभियान के अलावा लोगों के साथ संवाद भी करेंगे, साथ ही साथ लोगों को देश में चल रहे आर्थिक मंदी पर भी विचार विमर्श करेंगे। राजद नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी बोले, झारखंड में चाहिए आदिवासी चेहरा। राजद द्वारा आयोजित संकल्प यात्रा के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व युवा राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद की ओर से झारखंड के लिए कोई आदिवासी चेहरे को सामने आने की जरूरत है, जिससे हमें सांप्रदायिकता से लड़ने में भाजपा के खिलाफ हमें एकजुट होकर झारखंड को ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी बचाना है। सरकार के आए दिन बेतुके नए नियम, नए टैक्स लागू होने से जनता हताश एवं परेशान हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।